100% इस सीट को जिताने का काम इकरा हसन जी करेंगे, उनका प्रभाव बहुत पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मीरापुर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और सामने आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा, उनका यहां पर कार्यालय है। अब इस कार्यालय को दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य आखिर क्या है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की यहाँ पर एक संयुक्त रैली हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि जहाँ पर दिखे सफाई वहाँ पर बिटिया घबराई। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके का ये बयान दिया है उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी व्यस्त यहाँ पर इलाका है और जिस तरीके से वाहन जा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक फलों की दुकान है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फलों का मोल भाव ये महिलाएं कर रही हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। अच्छा ममता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सामने आप देखिए वहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, तो आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं तो कुछ डर वर आपको लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं डर रहा, किस बात का डर है, वो भी तो इंसान है और हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ खरीदने फल खरीदने आए हुए हैं, डरना किस बात का? मुख्यमंत्री जी का शायद आपने बयान नहीं सुना है। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पर मीरापुर विधानसभा उपचुनाव को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर दिखे सफाई वहाँ पर बिटिया घबराई। तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर आप क्या कहेंगे और क्या वास्तव में आपको समाजवादी पार्टी के लोगों से डर लगता है? देखिए, ये एक मुख्यमंत्री का ये बयान बिल्कुल गलत है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। महिलाएं, हम लोग तो स्वतंत्र रूप से, और आप देख भी रहे हैं पार्टी कार्यालय के सामने फलों का ये लगे हुई है दुकान, यहाँ पर हम लोग फल खरीद रहे हैं। अभी तमाम महिलाएं यहाँ से खरीद के भी गई और ऐसे है, साधारण जीवन जी रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोई डर वो भय नहीं, किसी तरीके का डर भय कुछ नहीं है। और ये सब उनका बयान जो है बिल्कुल हम इसका खंडन भी करते हैं, बहुत गलत बयान है। एक ऐसे पद पर बैठकर मुख्यमंत्री जी ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन गलत चल रहा है, जो गुंडागर्दी को कम नहीं कर रहा है। तो डरेंगे तो तभी जब गुंडागर्दी होगी, गुंडागर्दी यहाँ सपा वाले क्यों करेंगे? जिसको गुंडागर्दी करनी वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी और सफाई और जो आप जिस बात को आप लेके यहाँ पर आए हैं वो बात बिल्कुल गलत है। हम लोग तो यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब जो वर्तमान सरकार है उसमें आप किस तरीके से देखती हैं, और समाजवादी पार्टी की भी सरकार आप लोगों ने जरूर देखी होगी, तो कुछ अंतर है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा में कुछ अंतर है या बस सेम उसी तरीके से है? ऐसा कोई अंतर नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, वो बनाई ही है और वो चलती ही रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में ये असुरक्षा है या सुरक्षा है। हम समाजवादी की भी बड़ाई नहीं कर रहे, हम एक आम नागरिक हैं, हम इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। हम इस बात को कह रहे हैं कि सरकार समाजवादी की थी तब भी महिलाएं सुरक्षित थी और हम लोग अभी भी यहाँ पर सुरक्षित खड़े हैं। ऐसी कोई डर भय, हम महिलाओं के बीच में कोई ऐसा डर भय नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो सुम्बुल राणा हैं और महिला हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से हैं, तो मतलब इस बात को लेकर आपके मन में कुछ डाउट है क्या कि भाई समाजवादी पार्टी से सुम्बुल राणा प्रत्याशी हैं और उनको वोट नहीं देना है, या आपकी पसंद सुम्बुल राणा है क्योंकि वो महिला है? देखिए, एक महिला जब महिला के बीच में आती है तो वो उनके अधिकारों की कुछ बात करती है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको पता है हमारे राइट क्या है, हमारे अधिकार क्या है। तो एक पुरुष से ज्यादा अच्छी महिला हो सकती है, तो हमारे बीच में वो लोग आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, जो सुम्बुल राणा जी हैं उनके साथ तमाम महिलाएं हम लोग के बीच में आ रही, तो हम वोट देंगे सुम्बुल राणा जी को, तो और उनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम। मतलब मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मिथिलेश पाल भाजपा और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी हैं। देखिए, फर्क तो महिला तो वो भी है, महिला ये भी है, वोट वो भी मांगेंगी, वोट ये भी मांग रही है। फर्क सिर्फ हम लोग इतना देख रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा सत्ता वाले लोग हैं, थोड़ा वो एकदम फर्राटे के साथ निकल जाते हैं, वो वाली चीजें नहीं है जो सुम्बुल राणा जी हम लोगों को गले लगा कर, एक आम कार्यकर्ता और आम महिला को गले लगा करके वो जो वोट मांगने का काम कर रही हैं, अपनापन दिखा रही हैं, इसी चीज से अट्रैक्ट होके हम लोग उनके पास इतना बड़ा एक वो है मुद्दा कि महिलाओं के लिए कि वो मतलब जो महिला पर्दे के पीछे है, चाहे हम ही हो, चाहे मुस्लिम समाज की और अन्य समाज की महिलाएं, पर्दे के पीछे जा करके
वो महिलाओं को बाहर ला करके उनके साथ फोटो खिंचवाने का काम कर रही हैं, उनको अधिकार बताने का काम कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं का वोट जो है सुमूल राणा जी के ही हक में जाएगा। जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको राजनीति की बड़ी अच्छी समझ भी है। तो जिस तरीके से बयानबाजी का दौर इस विधानसभा में शुरू हो चुका है, तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बयान आप जरूर सुन रही होंगी। अभी जैन चौधरी यहाँ पर आए और उन्होंने जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है उसका वो एक तरह से मजाक उड़ा कर गए हैं। उनका कहना ये है कि पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। वास्तव में जो अखिलेश यादव का नारा है पीडीए का, वो पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा है। देखिए, बयान देने के लिए सब लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो जनता है, चुनाव जनता से ही जीता जाता है। पीडीए का जो नारा है, आपने रिजल्ट देख लिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इन लोगों का गठजोड़ लेकर माननीय अखिलेश जी चले हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो जो बयान दे रहे हैं जयंत जी, वो गलत बयान है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात तो वो बिल्कुल ही गलत कह के गए हैं, क्योंकि जब आदमी इधर से उधर चला जाता है तो आदमी को कुछ ना कुछ कमियाँ नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हम लोग मिल कर के ही सुमूल राणा जी को जिताने का काम कर रहे हैं, और ये बयान बिल्कुल, मैं इस बयान की बिल्कुल निंदा करती हूँ। ममता जी ने तो मुख्यमंत्री के उस बयान की निंदा की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जहाँ पर दिखे सफाई और वहाँ पर बिटिया घबराई, तो आप उस बयान पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं कि मोमडन समाज, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनसे डरते हैं। भाई हैं हमारे, हम फल लेने के लिए आए, ये सब फल बेचते हैं, भाई हैं हमारे, सब सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी सरकार में क्या हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जाने झूठे वादे कितने करते हैं। अगर उनके इतिहास ठाकर देखो, मीडिया को भी पता और जनता को भी पता, आने वाले समय में उन्हें पता लग जाएगा। ममता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी मुख्यमंत्री जी का एक और नारा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आप भी हिंदू हैं, तो उस नारे पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, नारा उन्हीं का ही है जो हिंदू मुस्लिम चुनाव करते हैं, और हिंदू मुस्लिम के बेस पर ही चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। उनके बीजेपी की बात कर रही हूँ मैं, उन लोग नारा ही ये देते हैं जो बटेंगे तो, ये नारा तो यहाँ काम नहीं करेगा। वोटर बहुत समझदार है, एक अनपढ़ वोटर भी इतना समझदार हो गया आज का कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट देने का काम करेगा, और जो उसको कैंडिडेट सही लगेगा उसको वोट देगा। ममता जी, आप क्या सोचती हैं, सुमूल राणा जिस तरीके से मुस्लिम हैं और मुस्लिम प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की हैं, तो इसका प्रभाव मतलब कुछ हिंदू महिलाओं भी पड़ेगा क्या? भाई ये तो मुस्लिम प्रत्याशी हैं और मिथिलेश पाल वहाँ पर हिंदू प्रत्याशी हैं। देखिए, महिला का प्रभाव महिला तो डालती है महिलाओं पे। अगर वो मिथिलेश पाल जी का भी काम है वोट मांगना और सुमूल राणा जी का भी काम है वोट मांगना, लेकिन वो कितना अपनी बातों से, कितना अपनी विकास कार्यों से, कितने उनकी जो महिलाओं की समस्याओं से अवगत उनको करा सकती हैं, उससे वोट मिलेगा उनको। और मैं समझती हूँ सुलझी हुई महिला हैं और यंग महिला हैं हमारी सुमूल राणा जी, एक ऐसी यंग प्रत्याशी हैं जो कि सब जगह डोर टू डोर घूमने का काम कर रही हैं, और उनका प्रभाव मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और उनके अधिकारों की बात वो कर रही हैं, तो प्रत्याशी हमारी बहुत मजबूत है। और हम जैसी महिलाएं, दूसरे समाज की और हिंदू महिलाएं उनके साथ काम करने का काम कर रही हैं, तो वोट मिलेगा सुमूल राणा जी को। ऐसा कोई वो नहीं है कि एक मुस्लिम महिला है तो इस तरीके का वो आ रहा है। सर्व समाज को लेकर चल रही है, सर्व समाज की महिलाओं को वो सम्मान कर रही हैं, उसी हिसाब से वो वोट मांग रही हैं। और अब इकरा हसन जी का भी यहाँ पर कार्यक्रम लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ महिलाएं यहाँ पर मिथिलेश पाल जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगी, तो इकरा हसन यहाँ पर कुछ प्रभाव डाल सकती हैं चुनाव में या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इकरा हसन एक ऐसी शख्सियत है जो कल से यहाँ चुनाव में आ रही हैं। मैं समझती हूँ मुस्लिम समाज के साथ साथ उन्हें हिंदू समाज की महिलाएँ बहुत पसंद करती हैं, जो उनकी योग्यता है, फॉरेन में वो विदेश में पढ़ के आई हैं, तो वो लोगों को उनके अधिकारों, उनके फंडामेंटल राइट को बताने का काम करती हैं, और क्या महिलाओं के अधिकार हैं, किन महापुरुषों ने उनको अधिकार दिलाए हैं, इनकी बात जब महिलाओं के, क्योंकि आज तक बहुत सारी महिलाओं को ये भी नहीं मालूम कि हमारे पूर्वज, हमारे वो लोग, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमें क्या अधिकार दिलाए, उनको ये भी नहीं मालूम। तो इकरा हसन जी जो कि बाहर से पढ़ के आई और इंडिया में उनके भाई के लिए उन्होंने काम किया, उनको विधायक बनाया, खुद एमपी बनी है,
तो वो बहुत अच्छे से दूसरी महिलाओं को भी समझाने का काम करेंगे और 100% इस सीट को जिताने का काम इकरा हसन जी करेंगे, उनका प्रभाव बहुत पड़ेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ पर जो ये फल की दुकान है और कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी यहाँ पर, इनसे हमने बात की और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि जहाँ पर दिखे सफाई और वहाँ पर बिटिया घबराई, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम किया है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।